हेलो स्टूडेंट्स, इट्स कोडिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ सी लैंग्वेज के एक मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है फॉर लूप। यहाँ पर मैं फॉर लूप को कुछ अलग मेथड से लिखने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें ताकि आपको भी ये मेथड याद रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्रामिंग टेस्ट के ऊपर लिख दिया है दो लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि है इंक्लूड स्टडियो डॉट एच और इंक्लूड कोना डॉट एच, जो कि हमें वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए यूजफुल होंगे। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इंट मेन फंक्शन, जो कि हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करके इंटीजर आई लिखा, जो हमें वैल्यू आउटपुट में ऐड करवाए इनपुट करवानी है वो। उसके बाद मैंने CLR SCR लिखा ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैंने अपना फॉर लूप, जो कि अलग मेथड से स्टार्ट कर दिया है, i = 1 semicolon i < 10, जहाँ तक हमें वैल्यू प्रिंट करवानी होती है वो लिख देंगे। उसके बाद हमने लिखा i++, इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू हर लाइन के साथ साथ एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो कि हमें आउटपुट में दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ i, मतलब कि हमें i की वैल्यू क्या प्रिंट लिखनी है। तो उसके बाद में %d करके हम लोग \n कर देंगे। %d से हमारी वैल्यू प्रिंट होगी और \n से हमारी लाइन एक के बाद एक नीचे प्रिंट हो दी जाएगी, जो कि \n नहीं लिखेंगे तो साइड में प्रिंट होगी। यहाँ पर मैंने गेस्ट करके प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमने i को डिफाइन नहीं किया, तो i को डिफाइन करने के बाद हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो गाइज, हमने प्रोग्राम को रन कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं वैल्यू प्रिंट हो चुकी है।